ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। बस गाइस आप लोग जो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। एंड गाइस इस वीडियो में जो हमारा कलरकेशन वाला जो पार्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गाइस मिस मत करना, वीडियो कंप्लीट वॉच करना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। आगे चले गए आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस सबसे पहले तो आप लोगों को ना अपने इस फोटो को यहाँ पे पहले ओपन करना है, ठीक है, मतलब पिक्सार टाइप में देख लो पोज वोज वगैरह। देन आपको इसकी थोड़ी एडजस्टमेंट करनी है, एडजस्ट में जाकर आपको जो शेडो है ना आपको एकदम 100+ कर देना, मतलब कि आपके फोटो पर ना बिल्कुल भी शेडो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस फोटो को एडिट करने के लिए। देन आपको डन कर देना है। एंड उसके बाद जाना आप सभी को ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप लोगों को ना पहले नरूटो का 2-3 PNG है जो मतलब आपको ऐड करना है अपने फेस पे, तो वो पहले हम उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे गाइस ये ब्लैक स्कार्फ है जो इसको आपको पहले ऐड करना है, ये ऐड कैसे करना है वो बताता हूँ गाइस। जो आपको जो फेस का जो ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसमें आपको कुछ इस टाइप से रखना है। एंड उसके बाद जो आप सभी को अपने फेस पे इस तरीके से ऐड करना है जहाँ जहाँ पे आपको मतलब ये एरिया चाहिए होगा। जैसे गाइस देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से लगाया है, तो आपको क्या करना है इसमें इसके इतना कर देने। एंड गाइस उसके बाद जो आपको साइड से जो है मतलब कि थोड़ा ओपेसिटी हार्डनेस कम करके एंड साइज को इंक्रीज करके आपको साइड से इस तरीके से ऐड इरेज कर देना है, ठीक है, ताकि मतलब कि जो पता ना लगे कि आपने कुछ यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर एक्स्ट्रा इरेज हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको साइज छोटा करना है, वो हार्डनेस ओपेसिटी फुल कर देना है। देन उसके बाद आपको ऐसे इस तरीके से पेंट कर देना है, ठीक है, साइड साइड में। देन उसके बाद आपको उसको डन करना है। एंड उसके बाद आप सभी को जाना दोबारा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको जो नरूटो का जो लोगो वाला PNG गाइस आपको इसको यहाँ पे लेना है, ठीक है। इसको लेने के बाद आपको ये करना है, आपको अपनी फोटो को जूम करना है, फोटो के ऊपर गाइस कुछ इस टाइप से ऐसे लगा देना है, ठीक है। आपको इसमें कुछ और कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इस तरीके से लगा के आपको कर देना है डन, ठीक है। इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को फिर क्या करना है, आप सभी को ऐड करना है एक आई लेंस का PNG, ठीक है, आपको जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक मिल जाएगा। आपको इसको सिंपली ऐड करना है। एंड ऐड करने के बाद जो आपको अपनी फोटो को जूम करना है, एंड उसके बाद आपको अपनी आई के पास कुछ इस टाइप से ऐसा ले जाना है, ठीक है। कई भाइयों के जो फेस पे कुछ ईजिली है मतलब कि ऐड हो जाएगा, एंड कई भाइयों को मैं थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। जैसे गाइस ऊपर वाला जो एरिया है आप सभी को इरेज करना है, ठीक है, ओपेसिटी हार्डनेस कम करके, एंड इस तरीके से आपको इरेज करना है ताकि जो फेस पे एकदम अच्छे तरीके से ऐड हो जाए। देन आपको उसका डुप्लीकेट करके आपको सेम चीज़ वही करनी है, डुप्लीकेट करके आपको यहाँ पे जो दूसरे वाले फेस की तरफ जो इस तरीके से यहाँ पे इसको लगा देना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड यहाँ पे देखिएगा एकदम अच्छे तरीके से लग चुका है। एंड गाइस थोड़ा बहुत मतलब कि सेटिंग वगैरह इधर उधर हो जाएगी, तो आप वो अपने हिसाब से देख लेना रिज वगैरह करके, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना, आपको अपनी फोटो यहाँ पे कर देना है डन। अब इतना हो जाने के बाद आपको जाना दोबारा ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ पे ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको एक PNG और ऐड करनी है जो कि आपको अपने हैंड के ऊपर लगाना है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसको लगाने के बाद आपको मतलब इसको करना क्या है, आपको यहाँ पे गाइस फुल स्क्रीन करना है पहले, तो ठीक है। अगर ये फुल स्क्रीन में अगर ऐड हो जाता तो ठीक है, नहीं होता तो गाइस आप इसको साइज इंक्रीज करके या छोटा करके जैसे मर्जी आप करके देख लेना, ठीक है। इतना हो जाने के बाद गाइस आप इसकी ब्लेंडिंग मोड भी चेंज करके देखना, क्या पता ब्लेंडिंग मोड चेंज करके आपके हैंड में अच्छे से मतलब कोई और ब्लेंडिंग मोड आ जाए, जैसे कि ओवरले में इतना खास नहीं लग रहा था, हम मल्टीप्लाई ही रखेंगे, ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लाई रखने के बाद जो हम क्या करेंगे उसको हम कर देंगे, इसको ओपेसिटी कम कर देंगे, ठीक है। एंड ओपेसिटी कम कर देने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे ओपेसिटी कम कर देने के बाद हम यहाँ पे इसको कर देंगे डन। एंड डन कर देने के बाद हम जाएंगे दोबारा ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद हम एक PNG और ऐड करेंगे, ठीक है, ये वाला जो कि आपके फिंगर्स के पास लगाना है आप सभी को, ठीक है। इसको हम ऐड कर लेते हैं एंड यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड कर देने के बाद आपको दिखाई देखें, यहाँ पे ध्यान से देखना थोड़ा, जो ये मतलब कि जो ये क्या कहते हैं, जो यहाँ पे एक मेटल का जो ये है आपके हैंड पे जो लगाना है आपको, ये मतलब हथियार टाइप का जो है मतलब कि आपके फिंगर के पास, आपको सिंपली इसको यहाँ पे हल्का हल्का इरेज कर देना है, जहाँ जहाँ से आपको ये आपके हैंड पे आ रहा हो वहाँ से इरेज कर देना है, ताकि जो ऐसा लगे कि आपके हैंड के नीचे ही है, ठीक है। उसके बाद आपको कर देने के बाद क्या करना है, आपको जो साइड वाला जो भी एरिया है उसको इरेज कर देना है। एंड उसके बाद उसमें जाकर शेडो में जाकर आपको शेडो लेनी है। एंड इसके बाद जो आप किसी ओपेसिटी या हार्डनेस जो है इसको आपको देख लेना है, ठीक है। ओपेसिटी जो है मतलब आपको कुछ इतना रखना है, एंड जो ब्लर है इसको आपको यहाँ पे कुछ 0 की तरफ रखते हैं, ठीक है, इतना। अब उसके बाद जाकर पोजीशन में जाएंगे। पोजीशन में जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो मतलब कि इसको हमें नीचे की तरफ ही पहुँचाना है ना PNG की, तो वहीं पर ले जाने के पोजीशन को हम 0 कर देंगे यहाँ पे। एंड इसके बाद यहाँ पे परफेक्ट है, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद इसको हम डन करेंगे। एंड सेम चीज़ आप सभी को दूसरे वाले फिंगर के पास भी करनी है, तो हम दोबारा ऐड फोटो में जाएंगे। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको वहाँ से भी वाली PNG डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है, ये वाली PNG। एंड इसको हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। एंड उसके बाद जो यहाँ पे गाइस देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम चीज़ आप सभी को भी यहाँ पे वही करनी है, ठीक है, ऐसे लगा के कुछ इस तरीके से। एंड जो बाकी वाला जो एरिया होगा उसको आपको इरेज कर देना है। एंड आपको उसके बाद इसका एक डुप्लीकेट भी बनाना है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं, इसका एक डुप्लीकेट बनाते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं। एंड रोटेट करके हम इसको कुछ इस टाइप से इस जगह पे लगा देते हैं, ठीक है, एकदम परफेक्ट है गाइस, ठीक है। तो अब इसके ऊपर शेड वगैरह डाल के एंड इसको हम एकदम मतलब खतरनाक बना देते हैं। अब
ओके गाइस, तो यहाँ तक हमने सब कुछ कर लिया है, ठीक है। शेड वगैरह भी लग गया हमारे, पीएनजी भी लग गया। अब बात आती है हमारी जो इयर रिंग्स के बारे में, ठीक है। तो इयर रिंग्स आपको कैसे ऐड करना है, आपको जाना ऐड फोटो में एंड आपको पीएनजी भी मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम उसको ऐड कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको गाइस देखिए ये ना दो होंगे, ठीक है, इसमें एक में दो होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एक को इरेज कर लेना पहले, ठीक है। जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले मैं यहाँ पे इरेजर टूल में जाकर इसको पहले इरेज कर लेता हूँ एक को, ठीक है। कोई सा भी आगे वाला पीछे वाला कोई सा भी इरेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको इरेज करते हैं पहले, अब परफेक्ट है, ठीक है। अब इसको हमने इरेज कर लिया। अब गाइस देखिए, अब ये वाला पीएनजी ने जो आपको लगाना कैसे है वो देखिए। पहले आपको अपनी फोटो को जो है मतलब आप जूम कर लेना पहले अच्छे से, ठीक है। एंड उसको जितना हो सके उतना जूम कर लेना ताकि जो अच्छे से आप लगा पाओ उसे, ठीक है। फिर आपको उसको रखना आपके ईयर के पास, ठीक है। ईयर के पास रखने के बाद आपको जाना इरेजर में, इरेजर में जाने के बाद आपको हार्डनेस फुल कर देना है। एंड पहले जो इरेज हो गया उसको हम पहले पेंट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मतलब कि आपको जो इसका वो है ना ओपेसिटी, वो मतलब कि हार्डनेस को फुली रखना है ताकि जो है मतलब कि एकदम ऐसा लगे कि आप ये ईयर में आपने रियल में पहन रखा है, ठीक है। तो ओपेसिटी एकदम फुली रखना। तो इरेजर में जाके कुछ इस तरीके से हम इरेज कर लेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड का जो एरिया होगा उसको आप इरेज करके रखना, ठीक है। अब परफेक्ट है। अब जो मतलब एक्स्ट्रा पार्ट जो इरेज हो चुका है उसको फिल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अब उसके बाद देखिएगा आपको सेम चीज़ वही करनी है, डुप्लीकेट कर करके आपको चार लगाने, ठीक है। यानी कि दो एक वाले इस वाले कान में और दो राइट वाले में, ठीक है। तो दोनों को आपको इसे लगाना है। अब इसको मैं फटाफट लगाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। तो गाइस फाइनली हमने देखिएगा यहाँ पे सारे पीएनजी वगैरह लगा लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम सेव कर लेंगे एंड इसको लेकर चलेंगे लाइट रूम ऐप में ताकि हम इसको रीटच करके और भी मस्त बना दें, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव करते हैं एंड लाइट रूम ऐप को डायरेक्ट ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे हमने इसको ओपन कर लिया है। अब जाएंगे इस लाइट वाले ऑप्शन में, हम इसका जो कॉन्ट्रास्ट है इसको हम हल्का से यहाँ पे माइनस रखेंगे, हाईलाइट जो है इसको इंक्रीज कर रखेंगे एंड जो शेडो है इसको भी इंक्रीज एंड व्हाइट जो है इसको यहाँ पे कम एंड जो ब्लैक है इसको यहाँ पे इंक्रीज, ठीक है। परफेक्ट है गाइस यहाँ पे। अब उसके बाद जाएंगे हम ऐसे कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद हम इसका वाइब्रेशन बढ़ाएंगे, वाइब्रेशन बढ़ाने के बाद हम थोड़ा सा टेम्परेचर कम करेंगे। कलर मिक्स में जाएंगे, कलर मिक्स में जाने के बाद ऑरेंज कलर लेंगे, ल्यूमिनस बढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है। सैचुरेशन थोड़ा कम एंड उसके बाद यहाँ से चलेंगे हम यहाँ से डायरेक्ट डार्क ब्लू में, इसका हम ह्यू जो यहाँ पे प्लस की तरफ रखेंगे एंड सैचुरेशन जो इसको प्लस रखेंगे एंड कर देंगे डन, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको जाना इस वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, ठीक है। एंड फोटो में जो विगनेट वगैरह वो अपने फोटो के अकॉर्डिंग आपको डालना है, ठीक है। एंड उसके नीचे आपको मिला ग्रीन अमाउंट, आपको उसको भी बढ़ा देना है एंड जाना आपको फिर नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज कर देनी है, फोटो में जो नोट रुक्स है आपको उसको बढ़ा देना है एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोट रुक्स, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो और वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ सभी से किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।